दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे 4 मई 2023 इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको टुडे PDF चाहिए तो आप जो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद शिवानी के नाम पर। वहाँ पर आपको ऑल साइज PDF प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में संवैधानिक बदलाव को मंजूरी दी। इसका करेक्ट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। ए ऑप्शन करेक्ट है। और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति है, इन्होंने 70वीं साल पर जनमत संग्रह में जीत हासिल की और ये शौकत मिर्ज़ियोयेव को 2040 तक राष्ट्रपति बने रहने की अनुमति देगा। यहीं पे जो है तानाशाह इस्लाम करीमोव की मौत के बाद 2016 में शौकत मिर्ज़ियोयेव राष्ट्रपति बने थे और अब जो है यहाँ पे ठीक है इनके बदलाव को मंजूरी दी गई। तो उज्बेकिस्तान के मतदाताओं ने भी जो है प्रेसिडेंट पद के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 7 साल करने की मंजूरी दी गई। पहले तो 5 ईयर था है ना, लेकिन अब जो है प्रेसिडेंट की नियुक्ति यहाँ पे 7 साल तक रही, ठीक है। और जो मिर्ज़ियोयेव है इनको 2 और कार्यकाल की अनुमति दी है और इन परिवर्तनों को 90.21% मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया। अब यहाँ पे उज्बेकिस्तान की बात है, यह एक मध्य एशियाई देश है उज्बेकिस्तान, और ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है उज्बेकिस्तान। और इसकी कैपिटल है, तो ये सबसे बड़ा शहर है ताशकंद, वो इसकी कैपिटल है। उज्बेकिस्तान में इस्लाम प्रमुख धर्म है और शौकत मिर्ज़ियोयेव उज्बेकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट है। अब नेक्स्ट है, किस देश के संचालन को संयोजित करने के लिए एक्सियाटा और एयरटेल द्वारा एक बार आधिकारिक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए गए। सॉरी एक बार नहीं होगा, के द्वारा आधिकारिक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पे होगा श्रीलंका देश के, ठीक है, संचालन को संयोजित करने के लिए एक्सियाटा और एयरटेल के द्वारा आधिकारिक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए गए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो भारतीय एयरटेल, लंका एयरटेल, इनकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है ये, और प्रस्तावित लेनदेन के तहत एयरटेल को डायलॉग में हिस्सेदारी दी जाएगी जो कि एयरटेल लंका के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगी। और ये लेनदेन पूरा होने पर एयरटेल को यहाँ पे डायलॉग में नए शेयर, ठीक है, ये भी जारी किए जाएंगे। तो आइए फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है कि किस मिशन के द्वारा PSLV कक्षा प्रयोग मॉडल को सफलतापूर्वक ले गया, तो ले जाया गया वो है PSLV 55। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ये मॉड्यूल को बनाया है, इसरो ने इस मॉड्यूल को बनाया है और ये विशेष रूप से एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से बनाएगा जिसमें गैर सरकारी संस्थाएं और जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में काम करने वाले अनुसंधान संस्थान हैं ये कक्षा में अपने प्रयोगों का परीक्षण कर सके। और 22 अप्रैल को PSLV C-55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और उपग्रहों का वजन क्रम से 741 किलोग्राम और 16 किलोग्राम है, दोनों सिंगापुर के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, अपने आप में क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट है, 1 मई को एयर मार्शल साजू बालकृष्ण को किस केंद्र शासित प्रदेश का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ए ऑप्शन करेक्ट है। और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह का स्थान लिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है, ये जो है यहाँ पे अंडमान और निकोबार कमांड, ये भारत में एकमात्र संयुक्त सेवा कमांड है जो देश की सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं के साथ में देश के थिएटर कमांड के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गशाला के पूर्व छात्र एयर मार्शल साजू बालकृष्ण को 1986 में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अंडमान निकोबार कमांड की कमान संभालने से पहले वे बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांडर थे और इसमें वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिस थे और उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और वायु सेना पदक के प्रेसिडेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो ये मार्शल साजू बाल कृष्णन है। इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं।
आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन टेस्ट टीम बन गई है, वो है अपनी भारत की आईसीसी रैंकिंग। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 मई को रोहित शर्मा के जो नेतृत्व वाली भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है आईसीसी, इनके द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर वन टेस्ट टीम बन गई और पुरुषों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया का शासन 15 महीनों के बाद समाप्त हो गया और भारत ने अगले महीने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से अपने ऑस्ट्रेलिया टीम को पीछे छोड़ दिया और भारत इस समय 121 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया 116 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। फर्स्ट पर अपना भारत, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया। और इस साल की शुरुआत में भारत ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बरकरार रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वनडे सीरीज जीत दर्ज की। इसमें फर्स्ट रैंक तो है भारत की 121 अंक आए, दूसरी रैंक है ऑस्ट्रेलिया की 116 अंक आए, थर्ड रैंक पर है इंग्लैंड 116 इसके भी अंक है, चौथे नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका 104, न्यूजीलैंड 100 अंक। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट। भारत और किस देश ने 2 मई को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और इजराइल देश ने 2 मई को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सी ऑप्शन करेक्ट है। यहीं पे कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ में जो औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग है इस पर भारत और इजराइल द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इसमें एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग, पर्यावरण, खनन रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, ये सब कृषि शामिल है। और भारत और इजराइल इनोवेशन और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाएंगे और गहन द्विपक्षीय सहयोग के एक नए चरण की स्टार्टिंग भी करेंगे। नेक्स्ट है, किस देश की मारिया स्टेपानोवा ने लिप्सिंग बुक पुरस्कार जीता? तो यहाँ होगा रूस। ए ऑप्शन करेक्ट है। और एक रूसी यहूदी लेखक मारिया स्टेपानोवा ने 2023 में यूरोपीय समाज के लिए प्रतिष्ठित लिप्सिंग बुक पुरस्कार जीता और उन्हें कविता की संस्करण गर्ल्स विदाउट क्लाउड्स के लिए लिप्सिंग बुक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ओके, और ये पुरस्कार 25 अप्रैल को 30वें लिप्सिंग पुस्तक मेले के उद्घाटन के अवसर पर प्रदान किया गया और इनसे पहले उन्हें 2021 में बुकर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। और वहीं रूसी साहित्य में एक शक्तिशाली समकालीन आवाज थी, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मारिया स्टेपानोवा। अब लिप्सिंग बुक पुरस्कार ये क्या है? तो ये यूरोप में मेल जोर को बढ़ावा देने के लिए 1994 से दिया जा रहा है। तो ये कहाँ का है? यूरोप का है। क्यों दिया जाता है? यानी कि जो मेल जोर का संबंध रिलेशन अच्छा बना रहे और ये 1994 में ठीक है दिया गया था और ये जर्मनी में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और इस पुरस्कार की राशि है यहाँ पे 20,000 यूरो। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ? वो है ओडिशा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सर्वेक्षण 1 मई 2021 को पूरे ओडिशा में शुरू किया गया और ये 27 मई तक चलेगा और ये ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित किया जा रहा है और ये राज्य के सभी 314 ब्लॉक और 114 शहरी स्थानीय निकायों में किया जाएगा। ओबीसी सर्वेक्षण करने वाला बिहार के बाद ओडिशा सेकंड स्थान पर है। ओडिशा राज्य आयोग सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में केंद्र खोल और सर्वेक्षण ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, यहाँ पे OSCBC अधिनियम 1993 और OSCBC इस संशोधन अधिनियम के तहत 2020 की धारा 9 के प्रावधानों के तहत ये किया जा रहा है। अपने आप में क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विश्व परिस स्वतंत्रता दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 3 मई को। ये ऑप्शन करेक्ट। हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व परिस स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और ये किसी भी लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और ये विंडहॉग की घोषणा की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर आर ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। क्या है? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ए ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 142वीं थी, ठीक है,
और यहाँ पे 2021 से गिर के 150वें स्थान पर आ गई है। नार्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क सेकेंड स्थान पर है, इसमें स्वीडन थर्ड पर, एस्टोनिया चौथे पर, फिनलैंड पाँचवा, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया था इन्होंने। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 के लिए GST राजस्व संग्रह अब तक का सबसे अधिक कितने लाख करोड़ रुपये है? 1.87 लाख करोड़, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और अप्रैल 2023 के महीने में सकल GST राजस्व है ना 1,87,035 करोड़ रुपये संग्रहित किया गया है यहाँ पे, और इसमें CGST 38,440 करोड़ रुपये और SGST 47,412 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इनमें ठीक है ये शामिल है। तो ये जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है कि अप्रैल 2023 के लिए GST राजस्व संग्रह अब तक का सबसे अधिक 1.87 लाख करोड़ रुपये है। तो ये 10 क्वेश्चन आई होप आपको बहुत ही बेस्ट लगे होंगे। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप कर सकते हैं। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी। बाय बाय।